तो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करूंगा कि ब्रांड न्यू i20 का आपके लिए कौन सा जो मॉडल है वो बेस्ट रहेगा। यहाँ पे सारे ही मॉडल काफी ज्यादा अच्छे हैं और मैं आपको एक एक करके सारे मॉडल्स के फीचर वगैरह के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूँ बेस मॉडल के बारे में, जो की मैग्ना है, वो करीब करीब 6.89 लाख रुपीज की एक शोरूम आपको पड़ जाती है। तो यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज है कि क्या उसमें आपको डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है या आपको नॉर्मल सुइयों वाला मीटर देखने को मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे आपको नॉर्मल सुइयों वाला मीटर देखने को मिल जाता है, पर आपको कोई भी डिजिटल मीटर देखने को नहीं मिलता है। और वहीं मैं अगर आपसे बात करूं टच स्क्रीन को लेके, वो भी काफी ज्यादा क्वेरी मेरे पास आई थी और मैं बताना चाहूंगा वहां पर आपको कोई भी टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलती है। और जो टच स्क्रीन और डिजिटल जो आपका मीटर शुरू होता है वो आपके स्पोर्ट्स वेरिएंट से स्टार्ट होता है और एस्ट्रा ऑप्शन तक जाता है इसके टॉप मॉडल तक। तो अगर आप मैग्ना लेना चाहते हैं तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा। हाँ, गाड़ी अच्छी है, इंजन सेम है, कहीं ना कहीं फीचर में वो लैग कर जाती है और मैं यही कहूंगा कि अगर आप फीचर्स वगैरह देखना चाहेंगे कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स मॉडल को भी ट्राई करें, जिसके बारे में मैं आपसे जस्ट अभी बात करने वाला हूं। और ये गाड़ी जो मेरे पीछे खड़ी है, ये मेरे पास यहां पर स्पोर्ट्स मॉडल खड़ा है 1.2 लीटर में। और अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में बात करूं तो मैं आपको अंदर से इसके सारे फीचर्स दिखाता हूं कि क्या क्या आपको इसके फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रिक ORVM के बारे में, तो स्पोर्ट्स मॉडल से यहां पर आपको इलेक्ट्रिक ORVM की शुरुआत हो जाती है और यहां पर आपको एक इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है साइड मिरर में। और चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में फीचर देखने को मिल जाते हैं। और एस्ट्रा और एस्ट्रा ऑप्शनल के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी की के बारे में बात करूं तो यहाँ पे मेरे को की को तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक और होल्ड का ऑप्शन है, जो कि आपका डिग्गी खोलने में काम आता है। तो यहीं पे मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरा कुछ इंटीरियर इस प्रकार का दिखता है। और चलिए इसमें चाबी लगाते हैं और देखते हैं इस गाड़ी का कमाल। तो यहाँ पर मैंने अपनी चाबी लगा दी है और यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी को जो है ऑन कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल मीटर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और यहाँ पर आपको एक टच स्क्रीन भी देखने को मिल जाती है, जो कि मैग्ना में आपको देखने को नहीं मिलती है। हाँ, एस्ट्रा से थोड़ी छोटी है, बट सारे फीचर्स हैं इसमें सिवाय नेविगेशन वगैरह के। पर आपको इस गाड़ी में DRVM भी देखने को मिल जाता है, जैसे मैं आपका रिवर्स गियर डालूंगा तो यहाँ पर आपको DRVM देखने को मिल जाता है, जो कि आपका स्टेयरिंग के साथ जो है चलता है। तो यहाँ पर मैं और अगर फीचर्स के बारे में बात करूं, यहाँ पे आपको स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपको सेम एस्ट्रा में भी देखने को मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल यहाँ पर मिसिंग है, जो कि आपको एस्ट्रा ऑप्शन में देखने को मिलता है। वहीं मैं अगर आपसे बात करूं ऊपर यहाँ पर सनरूफ के बारे में, यहाँ पर सनरूफ आपको नहीं मिलती है और सेम यहाँ पे आपको एस्ट्रा में भी देखने को नहीं मिलती है सनरूफ, और आपको ये सिर्फ एस्ट्रा ऑप्शन में फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि क्रूज कंट्रोल और सनरूफ दोनों है। पर अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक स्पेस दे रखी है, यहाँ पर मैं अपना फोन वगैरह रख सकता हूँ, ये स्पोर्ट्स मॉडल है मेरा। वहीं आपको एस्ट्रा में यहाँ पे वायरलेस चार्जर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मेरा एक बटन मिसिंग सा लग रहा है, जो कि USB का है, जो कि आपको एस्ट्रा में देखने को मिल जाता है। और यहाँ से आप अपना एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले चला सकते हैं, और यहाँ पर आप वायरलेसली भी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो चला सकते हो। एस्ट्रा में आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं देखने को मिलता है, जो कि टॉप मॉडल गाड़ी में इनको देना चाहिए था और ये स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको दे देते हैं। जहाँ पे आपको बोस के स्पीकर मिसिंग दिखेंगे, जो कि आप एस्ट्रा और एस्ट्रा ऑप्शनल दोनों में देखने को मिल जाते हैं। वहीं यहाँ पे एस्ट्रा और स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है कुछ फीचर्स को छोड़ के, जो कि बोस का म्यूजिक सिस्टम है। मैं मोटा मोटा यहाँ पे आपको बता देता हूँ, छोटी मोटी लाइट्स वगैरह के बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, जो कि बूट लाइट है, उसमें बूट लाइट भी है। सो वो सब एक काफी छोटे फीचर्स हैं, जो कि आप आफ्टर मार्केट कुछ ही पैसों में लगवा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर म्यूजिक सिस्टम को लेके एक वीडियो बना रखी है, जो कि आप ऊपर चेकआउट कर सकते हो इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम के बारे में। इस गाड़ी में आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स वगैरह भी देखने को मिल जाती है, जो कि दोनों आपको एस्ट्रा ऑप्शन में देखने को मिल जाती है। तो ये सारे फीचर्स आपको स्पोर्ट्स में देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं एस्ट्रा और एस्ट्रा ऑप्शनल के जो अलग फीचर्स हैं उसमें आपको क्या देखने को मिल जाता है, उसके बारे में आपसे बात करता हूँ। तो चलिए बाहर चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपकी 1.2 लीटर कार स्टार्ट होती है 6.98 से और करीब करीब जाती है 9.19 लाख, जो कि आपको एस्ट्रा ऑप्शनल मॉडल देखने को मिलता है, जो कि टॉप मॉडल कहलाता है i20 का। यहाँ पर स्पोर्ट्स और एस्ट्रा में काफी छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि डिफर करते हैं। एक तो वायरलेस चार्जिंग का, कूलिंग पैड वगैरह, और यहाँ पे आपको वेलकम लाइट देखने को मिल जाती है उसके जस्ट नीचे, और यहाँ पर आपको कॉर्निंग लाइट देखने को मिल जाती है, और काफी छोटे छोटे जो फीचर्स हैं। पर यहाँ पे जो सबसे बड़ा फीचर है वो बोस का ही है। यहाँ पर बोस के ही काफी ज्यादा पैसे हैं, जो कि मेरे लिए इतना मायने नहीं रखता था, क्योंकि मैं इतना
म्यूजिक लाउड नहीं सुनता हूँ, और ये भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये लाउड नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं बोस का म्यूजिक सिस्टम अच्छा था और मुझे उस प्राइस पॉइंट पे वो सही नहीं लगा। अगर मैं उस प्राइस पॉइंट पे जाता तो मैं वर्ना वगैरह पे भी जा सकता था और क्रेटा का भी ऑप्शन मेरे को वहाँ पर मिल रहा था। तो ऐसा ऑप्शन में अगर मैं आपसे बात करूँ, क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, और यहाँ पर आपको सनरूफ देखने को मिल जाता है जो कि एस्ट्रा से डिफर करता है, और बाकी तो काफ़ी छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेज हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो जो है आप आफ्टर मार्केट भी कुछ ही पैसों में लगवा सकते हो, सो वो वहाँ पर इतना मायने नहीं रखता है। सो यहाँ पर अगर मैं अपना कंक्लूजन दूँ आपको, अगर आप मैग्ना लेने जा रहे हो, यहाँ पर मेरा बिग नो होगा, वहाँ पर आप मैग्ना मत लो, क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है। जो सबसे हाई प्राइस गाड़ी जो है वो मैग्ना ही मुझे लगी, क्योंकि उसमें जो फीचर्स दे रखे हैं वो काफ़ी कम है, और वहीं उस प्राइस पॉइंट पर आपको बलेनो, एल्ट्रॉस वगैरह के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। और वहाँ मैं अगर आपसे बात करूँ स्पोर्ट्स मॉडल को लेकर, सो ये स्पोर्ट्स मॉडल मेरे को बेस्ट लगा और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन यहाँ पर मुझे नज़र आया, क्योंकि इसमें सारे ही फीचर्स वो हैं जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी और कहीं ना कहीं आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। तो अगर आप स्पोर्ट्स से एस्ट्रा की तरफ देख रहे हो तो एस्ट्रा मत लो, क्योंकि एस्ट्रा ऑप्शन में आपको बाकी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं 50K में, जैसे कि सनरूफ और क्रूज कंट्रोल है जो कि आप आफ्टर मार्केट नहीं लगवा सकते, सनरूफ लगवा सकते हो बट वो फिनिश नहीं आती है, और 50K में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एस्ट्रा ऑप्शन पे। बट मेरा यही प्रेफरेंस रहेगा कि जितना आप i20 स्पोर्ट्स के अगर आप जा रहे हो तो उसमें ही जाओ, क्योंकि वो बेस्ट है। कहीं ना कहीं अगर आप कार एंथुजियास्ट हो तो आप इसके ऊपर के मॉडल देखो, और बाकी तो i20 जो है बिल्कुल बेहतरीन गाड़ी है। मैंने इसको 300 किलोमीटर चला लिया है और इस बारे में मैं आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, और मुझे कमेंट में बताना है कि आप कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हो, या आपको कौन सा i20 का मॉडल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे सभी वेरिएंट अच्छे हैं, मैं किसी को भी यहाँ पर गलत नहीं कह रहा हूँ, नेगेटिव साइड हर एक गाड़ी का होता है, हर एक वेरिएंट का होता है, बट यहाँ पे मेरे को गलत मत लेना और मेरे को गाली मत देना कमेंट में नीचे। और आप इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, कम ऑन लाइक कर दो, और उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है यार वो भी दबा दो, क्या कर रहे हो। और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा, नीचे कमेंट में डालो कि क्या वीडियो चाहिए आपको और वो आपके लिए बन के आ जाएगी। चलिए गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा, सो मैं आप लोगों से मिलता हूं अगली बार।